अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नादिया नैना चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आज एक वीडियो लेके आई, जैसे कि आपको पता रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो ना रमज़ान शरीफ से पहले हमें अपनी स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो मैं आज एक ऐसी वीडियो लेके आई, मैंने कहा क्यों ना हम अपनी स्किन को थोड़ा सा ब्राइट कर लें, थोड़ा सा चमका लें ईद से पहले पहले। अगर आप चाहती हैं आपकी स्किन भी चमकदार रहे ईद से पहले पहले, आपकी स्किन पे भी ग्लो आए, तो मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पे न्यू आई हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्या लेके आई हूँ जो कि मैं अपनी स्किन पे अप्लाई करूँगी। बहुत ईजी और आसान टिप है, घर में हमारे पास सारी चीज़ें ही मौजूद होती हैं, हमने कुछ भी बाहर से नहीं लेना होता। तो अपनी स्किन का ख्याल रखना, अपनी स्किन की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। काम तो सारी ज़िंदगी चलते ही रहते हैं, दुनिया के काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अगर देखा जाए और सोचा जाए, सारा कुछ हम टिप से भी नहीं कर सकते, मीन्स के टिप से भी हमारा फेस हसीन नहीं होता, हमने पार्लर भी जाना होता है, पार्लर जाके भी थोड़े बहुत पैसे कभी कभी लगाने पड़ते। तो फिर ये होता कि वन वीक के गैप से हम अपनी स्किन के साथ कोई भी टिप्स कर सकते हैं। अब तो जदीद दौर है, हमें पता ही होता है कि हमने कौन सी टिप अपने फेस पे अप्लाई करना है। पता है इस बार मैंने क्या सोचा, मैंने कहा क्यों ना मैं पहले अपनी स्किन पे अप्लाई कर लूँ, इसके बाद आपको बताऊंगी कि क्या कुछ मैंने ऐड किया था। मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती रहती हैं छोटे छोटे शहरों में। चम्मच ही उठाना नहीं आ रहा था हमको। ये है जनाब जी बेसन, जो कि हम पकौड़ों के लिए यूज़ करते हैं। आज मैं इसको यूज़ करूँगी अपने फेस पे, ये देखिए। उसके बाद हम लेते हैं मुल्तानी मिट्टी, कोई सी भी आप मुल्तानी, किसी भी कंपनी की मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मेरे पास ये है मुल्तानी मिट्टी, मेरे लगता है सारी ही ऐड कर देते हैं, ख़त्म करो इसको। उसके बाद एक लेंगे इवियन का कैप्सूल, इसको हम बाद में ऐड करते हैं, इसको मैं अभी उठा लूँगी। अच्छा जी, ये है मेरे पास, आई खुल जाए फिर बताती हूँ आपको, ना खुलता भी है ना कंटेनर, बहुत मुश्किल से ओपन होता है, ये ना मेरे मुंह पे ही आ जाए सारी। खुल गई, वाओ क्या रंग है इसका। अच्छा तो ये हम इसमें थोड़ी सी ऐड करते हैं, इसको हम बोलेंगे जी हाँ टर्मरिक पाउडर, जो कि हमारे घर में हर वक्त ही मौजूद होता है। हाफ टी स्पून जितना ही टर्मरिक पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। देखा जाए तो इसके भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, गोल्डन स्पाइस है, हमारे खाना तो इसके बगैर बनता ही नहीं है। और इसी तरह हमारी फेस की जो स्किन है, उसकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से वो तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। जब हम कोई भी टिप बनाएं उसमें इसका ऐड करें और अपने फेस पर अप्लाई करें, तो इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है। और इसी तरह जब हम उबटन का यूज़ करते हैं तो उसमें भी हल्दी ही ऐड होती है, हल्दी से जो हमारी स्किन है वो ग्लोइंग की तरफ आती है। अच्छा तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ इवियन का एक ही कैप्सूल। अच्छा जी, इतने असी लाना है एवियन का कैप्सूल है ना, साड़ी स्किन वास्ते बहुत ही अच्छा है ना, साड़ी स्किन एवं चमकेगी ना, तुम याद करोगे ईद तो मैंने दावा दोगे कि नादिया ने दसी की है। गिर गया एदा, चलो कोई नहीं। अच्छा इसको अब हम इसमें डाल देते हैं, एक ही काफ़ी है क्योंकि हमारा फेस इतना बड़ा तो नहीं होता कि हमें अब हम इसमें 3-4 ऐड करें, तो एक ही काफ़ी होता है। इसको हम कर लेंगे मिक्स, इसमें मिक्स नहीं हो रहा, बस अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली नहीं है। तो मेरी स्किन जो है ना ऑयली तो नहीं होती, इसीलिए हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर का, इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि इससे ना मेरी स्किन जो है ना खुल हो जाएगी। और ये सईद गनी का नहीं है मेरे पास। अच्छा इसको ना मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, यकीन कीजिए ये आइस बना हुआ था, फिर मैंने ना इसको 1 घंटा हो गया तकरीबन निकाल के रखा, तो अब ये अपनी असल हालत में आ गया। इसको हम इसमें स्प्रे कर देते हैं और इसका पेस्ट तैयार करते हैं। पेस्ट स्प्रे किस तरह करन दे आए, एनू खोल दे हाँ, तो खोल के ना इसकी महक कितनी अच्छी है। इसमें हम 1 टीस्पून के करीब डाल देते हैं, ये देखिए पेस्ट बन रहा है। अगर हम चाहें तो इसमें ऐड करेंगे, की करेंगे ऐड उन्हीं चंदर दियाँ, पहले यह तो बन दो, आज नहीं बनना लगता है,
ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੇਸਟ ਬਣਨ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਇਹ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੋ ਹਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਪੇ ਅੱਛਾ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹੀ ਥੀ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਇਸ ਪੇਸਟ ਕੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਇਤਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਮੇਂ ਹਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਬੇਬੀ ਆਇਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਂਗੇ यकीन कीजिए बेबी ऑयल मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है मैं क्या बताऊँ मैं हर चीज़ में बेबी ऑयल डाल देती हूँ इसीलिए जो हमारी स्किन है ना इस बेबी ऑयल की वजह से हमारी स्किन बेबी ऑयल जैसे ही लगती है 1 drop 2 drop 3 drop and 4 drops enough इतना मिक्स करेंगे कि पता चले कि पेस्ट हमारा तैयार हो गया इस पेस्ट को हम बना के हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं हम स्किन पे ईद से पहले पहले हमने होना है चिंता ये जाती चीज़ें इसमें मैंने जो विटामिन ई का कैप्सूल किया है वैसे तो एक ये मैजिक सप्लीमेंट है जो कि हम खाते भी हैं और फेस पे भी अप्लाई करते हैं और इसके साथ हम अपने बालों में किसी ऑयल वगैरह में भी ऐड करके इसको लगा सकते हैं इवियन का कैप्सूल ये है कि हमारे स्किन से रिलेटेड जो भी हमारे स्किन के इश्यूज हैं ना उसको ख़त्म करता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है तो देखिए इसमें मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड किए हैं इन चीज़ों की वजह से हमारी स्किन ग्लो हो जाएगी ईद से पहले पहले हम चमकने लग जाएंगे तो देर किस बात की है उठें और इस पेस्ट को बनाएं और अपने स्किन पे अप्लाई करें यहाँ पे मैंने अपनी स्किन पे तो कर लिया था अब 15 मिनट्स हो गए इस मास्क को लगे हुए ड्राई भी हो गया अब मैं इसको कर लेती हूँ वॉश और आती हूँ आप सबके सामने फेस को वॉश कर लिया मैंने सिंपल ही वाटर से तो अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगे तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़